ಮಾತನ್ನು ದೀರ್ಘಾಸನ ತಂದೆ ನೀ ಬಯಸಿದ ನೀ जवान बुजुर्गो नाम में उपजाया है जेड़ा अली दा भी खालक जेड़ा चौदह दा भी खालक जिसके चौदह ताहिर ते आला मखलूक जिसको अली जा इमाम झुकदा है बोझ समझ के नहीं ये नाम जाओ ताकि पता चल जाए कि अली ते शिया जिक्र हुसैन दे विच बह के चौदह दे खालक नू याद पे करे नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी मौलाए कायनात चहड़ता मासूमीन अलैहिस्सलाम चौदह दा खालिक मेरी तुहाडी इबादत मालिक इमाम जमाना ने हजूर अपने दरबार विच कबूल फरमाया तुहाडा इस दरबार दे तुराया बाहनियां दा खर्च खराजात इस सफे अदाब विच आई रसूल दीदी अपने दरबार विच कबूल फरमाओ तबीयत क्योंकि मेरे अकीदे के मुताबिक सब तो अजीम इबादत औखी इबादत बेलौस इबादत सरकारे आका शब्बीर दा मातम मातम भी होना है ते मखसूस दिन भी है तुहाडी तबीयत दे नाल नाल तुहाडी मर्जी दे नाल नाल जाकरी नहीं तुहाडी मर्जी दे नाल तुहाडी तबीयत दे नाल रल के इबादत करनी क्योंकि मिंबर रसूल है ते सादक इमाम दे मनन वाले दा ते जवानो झूठ दा जोड़ नहीं ते जेड़ा इस मिंबर ते खड़ के झूठ बोले तिसे गल नूं ते रोंदे खड़े आ मैं बिल्कुल हकीकत गल कीती है कि जाकरी हो रहे इबादत हो रही जाकरी नहीं तुहानूं दिखाणी रल के इबादत करनी है तुहाडी तबीयत दे नाल ते रल के मदीने वाले सईदा तू मिलना है ते अल्लाह को गवाह रख के ब्यादा कि अल्लाह दी कायनात दे विच एक वाहिद अल्लाह तू बाद मदीने वाले सईदा दा दरवाजा है कि जवानों जिस दरवाजे ते हसीयत दी लोड़ नहीं इस दरवाजे ते जात दा मसला नहीं बड़े निक्के बंदे दी गल नहीं बगले कोठियां कारा दी गल नहीं इत्थे जातां दा मसला नहीं हसीयत दी गल नहीं इस दरवाजे ते सिर्फ नीयत दी गल थोड़े जे बंदे बोले मैं सबूत देना कि जेड़ा इन्हां दे बूहे ते नीयत दे नाल आया है ना ते फिर अल्लाह दी कायनात दे जिन्ना तू वड्डा लजबाल है ही कोई नहीं नीयत ना लाए ते देर ही नहीं निकली थी आज छोड़िया ने ए हे साड़ी आहल बैच ते मौला तुनु सलामत रखे तुहाडी तबीयत दे नाल इबादत करनी है इबादत शुरू करा सारिया ते वाजब है कि जिन्हां दी मर्जी है कि मुहम्मद दा बाहरवा नायक जल्दी आवे वाजब समझा हजूर दी आमद दे वास्ते उच्ची सलवात पढ़ो أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم
سراج الصالحين محب الفقراء والغرباء والمساكين الذي قيل في شانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين والآخرين يا سبدين أمير المؤمنين لذات كل صلوات بدو الذي أبجنة المسجد والمنبر ساقي الحوض والكوثر فاتل والخيبر قاتل المرض والانتر والد الشبير والشبر امير المؤمنين وامام المتقين نعرائي حضرين حسين مني وانا من الحسين سارے حسين دي ذات سوڑی سلوات پڑو मौला तुहानू सलामत रखे बहुत खलूस दे नाल नीयत दे नाल क्योंकि पहला आज मजलिस दा प्रोग्राम है ते मौसम दी चेंजिंग दी वजह तो कुछ आवाज़ दी है लेकिन मेरा ईमान है कि तुसी मातमी दुआ कर सो ते इबादत मुसर हो सी और साइयां नु मंजूर हो जाए तुहाडे सामने उस सरदार दा फरमान पेश कीता है जिहड़ा सिर्फ तुहाडा मेरा नहीं बल्कि तमाम अंबिया दा सरदार है मेरी गल नहीं किसी शहर दा तखयल नहीं किसी मौलवी दा फतवा नहीं गल कुरान दी खालक ने जितने भी अंबिया इस जाहरी दुनिया ते टोरे जवाना ओ क्यामत दे दिन अपनी अपनी उम्मत ते गवाह बन के पेश होने ते जिस रसूल दा मैं तुहानू फरमान सुनाया है ओ क्यामत दे दिन तमाम अंबिया दा गवाह बन के पेश होने ओ रसूल प्या फरमेंदा है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन मैं हुसैन जुआ ते हुसैन ही मेरे जू और फरमाने मासूम ते गलत नहीं हो सकता लेकिन जमाने दे दस्तूर तू हट के बात है बन्ने वासा ते नाने जू हो सकता है लेकिन नाना की में निवासे जो हो सकता है घबरा गए खामोश हो गई हूँ
जवाना की खामोशी को डेंद मैं इतने गुरबाई सुनाना चाहना कुल नबिया की खिलकत का आखर अंजाम हुसैन कुल नबिया की खिलकत का आखर अंजाम हुसैन जिवे कुल ईमान अली है लोगो इवे कुल इस्लाम हुसैन इस्लाम हुसैन है क्यों जेकु मौत दे खालक फैज कीता ओ खास इनाम हुसैन है रसूल क्यों आख्या हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन रसूल फरमांदे ने मैं कुल लोक मोहम्मद आदे हन मेरा असली नाम हुसैन है कितना बंदा खुश किस्मत है जिदा इमाम हुसैन जिदा राबर हुसैन जिदा पेशवा हुसैन जिस माशर दे भी हुसैन दे नाम दे उठी बनाए है कितना लजबाल होता शाम दे मुल्क दा वस्ता जिहदा नाम मेरा बहुत दूर दा सफर करके मंजिला तय करके जनाब मोहम्मद मुस्तफा दे दरबार दे विच उच्ची सलवात पढ़वा दे मोहम्मद ज़ियारत करन तो बाद इने कदमा ते हाथ ला के अर्ज करेंदा या रसूल अल्लाह कायनात तुहाडी अखियां दे सामने तुसा जानते हो मैं इतना दूर दा सफर करके इतनिया तकलीफा उठा के तुहाडे दरबार दे विच आया रज़ क्या है लालच क्या है जो मेरी औलाद कोई नहीं जागड़ा लिया हुसैन की लजपाली सुनाना चाहना थोड़ी तबीयत को देखा कायनात ते राह जानन वाले रसूल ने मैं इवें आखा लोए महफूज का मुलाहजा किया है मुलाहजा करता है मुलाहजा किया है रसूल ने देख क्या दिल के राह कुदरत की जात ने तेरी तकदीर दे विच तेरे मुकद्दर दे विच तेरे बख्तां दे विच औलाद लिखी होई जागदा है मोहम्मद दे दरबार च रोंदा वल्ला है मदीने दी गलियां च रोंदा पिया है या उसे गली दे विच दोवें दाराइन दे मोती तकना नहीं दोवें दाराइन दे मोती बिस्मिल्लाह कौन इल्मे लदूनी दा वारस हसन मौला ते गरीबां दा आका हुसैन उच्चा नारा है हैदरी दोवे शहजादे आंदे पे सरकार हुसैन ने डिठाए अपने अमीर बिरहा दी तरफ देख क्या दिन हसन अमीर वेख ते सही ए मुसाफर मदीने दी सरजमीन ते रोंदा वद्दा है आखे तिकू खुश ना कर देवा इकू हसा ना देवा हुण जवानो इल्मे लदूनी दे वारस दा जवाब सुनना है हसन मौला देख के फरमाने हुसैन उस रहीम अल्लाह उस रहमान अल्लाह उस करीम अल्लाह ने तेनू इतने इख्तियार दिते जो तू चाहे कर सकदा है जागदा है कर सकता है बल्कि इन्हें क्यों ना आखा हसन मौला देख के फरमेन हुसैन अरश्ते कल्ला है उंदी पूरी जमीन ते तेरे नाल दा है ही कोई नहीं जागना है हुसैन वदिर देख क्या दिनों मुसाफर मदीने दी सरजमीन ते मैं भी हुआ ते तू भी रोवे हुसैन दी लजपाली सुननी मैं भी हुआ ते तू भी रोवे मैं तेरा रोना नहीं बर्दाश्त कर सकता
ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਰਾਹਬ ਨੇ ਵੱਲ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੇਰਾ ਸਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਏ ਦਾਵਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੀਤੇ ਈ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਏ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਸਤੀ ਏ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਾਜ਼ੇ ਦਲੀਲ ਮੈਂ ਹਾਂ गवाह रख के ब्यादा ड्यूटी मेरा ईमान है जेडी बारहवीं को मंजूर हो वक्त भी वो मिलता है पढ़ना भी वो होता है क्योंकि साडा ईमान है के वक्त का उले नंबर मौजूद है ते सरकार दे हुक्म दे सिवा कायनात का पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता रूह बन गया है ते मौलू भी बन गया भाई जान मेरा दिल चाहता है इसे मौलू ते एक शेर तुहानू कसीदे दे भी सुनाई दिया जिहड़ा राह ने आख्या ना परेशान ना हो घबरा ना मैं भी हुआ ते मदीने की सरजमीन ते तू भी रोवे याद है तारफ करा आवाज आज ख्याल नहीं करना फिर इंशाल्लाह जिंदगी वफा की ठीक हो सी ते जिस रंग दे नाल अली दे लाल ने तारफ कराया है ज्यादा मजाक नहीं ते मैं कसीदे दा तेरा मिसरा सुनाना चाहना माशाल्लाह जितना तुहाडे ज़हना दे चो हुसैन बुलंद दे इतनी उच्ची सलवात पढ़ो एक होर सलवात पढ़ लो तारफ करा शबीर तारफ करा राजा नाल मेरे रल के तैनू पहचान करावा अपनी लज पाली दी थोड़ी जी जल के दिखावा मैं सही देहा दरबार तू सब तू बड़ा दरबार है तस्लीम करेंदा है कि अल्लाह दे दरबार तू बार
सब तो बड़ा दरबार है मुहम्मद दा, लेकिन जमाने दी दस्तूर है जितनी भी बड़ी अदालत होवे उस अदालत में जावना पवे तो इतना बड़ा वकील करना पौंदा है। अगे गया है बगैर वकील दे मेरे नाल टुरा आदा शादा करे से क्या, करे से क्या हुसैन जवाब दे रहे क्या दिन भाई तेरा बन के आप वकील मेरे हुक्म दी तामीले मेरे सामने रो नहीं आ तेरी किस्मत बदलावा रब मेरी अमन दाए तू दस की मनवावा मैं सही सलामत रखे तुहाडे प्यार नूं इहदा होर शेर सुनाना चाहना रात दा हाथ पकड़ा है शबीर ले आया है नाने दे दरबार जड़ा रसूल ने डिठा है डे क्या दिन हुसैन इस मुसाफर नूं क्यों बुला के ले आया इंदे बख्तां दे विच इंदी तकदीर दे विच इंदे मुकद्दर दे विच औलाद है ही कोई हम अपने मौला लजपाल का जवाब सुनना है हथ बन गया दे नाना जान जे कर इंदे मुकद्दर दे विच इंदे बख्तां दे विच औलाद होंदी ते साडे बूहे ते आण दी लोड़ क्या है लेकिन सानू दसान दे वास्ते ताकि लोकां नू पता चल जावे कि मेरा हुसैन इस इज्जत दा मालिक इस शान दा मालिक रसूल देख के फरमाया हुसैन आज तू दुआ मांगते मैं अमीन अकेला जड़ा नाने ने हुक्म दिता है ना हुसैन हाथ दुआ दे जाए इधर रसूल हाथ दुआ दे जाए दरमियान दे विच राब खड़ा है नाने ने निवासे की तरफ बिठाए निवासे ने नाने की तरफ बिठाए शब्बीर ने वाल के राब दी तरफ बिठाए ते सरकार हुसैन अलैह सलाम राब दी तरफ मुस्कुरा के क्या देन कितने पुत्रां दी लोड़ सरकार हुसैन ने डिठाए
शबीर मुस्कुरा के आता है, कितने पुत्रा दी लोड़े हो राइब जल दी बोले, क्यों तिन समझ उसे निकलते अतल महफूज दे कोले। कोई रोक नहीं संगदा जिने मर्जी कलम चलावा, जे जावा आदम तू तेरी औलाद वधा हो रही पूरे सुनाया। ये जरा शेर लिखा गया है ना, ये साइया की अता है शाह साहब, थोड़े मादमिया की दुआ है। इतने तक तो हर लाकर सुनते रहते हो ना, भाई शब्बीर ने लाकर साहब मैं राम नु सर पुत्र अता की, लेकिन इत गल खत्म नहीं हुई। कई दिन रखे शब्बीर मेहमान, जरा राम ने वतन ते कीती है तैयारी, कदमा ते हथ ला के आ गए रसूल दा बचड़ा, मैं दुनिया तू रुड़िया तू ना वसा छड़िया है जागड़ा न्याला हुसैन, काश मेरा मुल्क होता मैं तेरी खिदमत करेगा, जमाना इंसाफ करेगा, होर ते मैं कुछ नहीं फर संगा, मेरे कुल एक बेहतरीन नस्ल दा घोड़ा है जिसते मैं सवारी करदा, इदे नाल दा पूरे शाम दे मुल्क दे विच घोड़ा है कोई जागड़ा नहीं आया हुसैन। मैं तुहानू तसद्दुक करना चाहना, कोई तोहफे तवाक तसद्दुक करना चाहना, इस शेर दे विच मैं लफ्ज़ तसद्दुक इस्तेमाल कीता है, इहदा मायना है सदका। जदा बार बार साडी सवारी तारीफ कीती है, बेहतरीन नस्ल की सवारी है, बेहतरीन नस्ल की सवारी है, सरकार हुसैन मुस्कुरा का दिन मैनू देख मैं हुसैन। जानवर की तारीफ पे करें, अपने जानवर की तारीफ पे करें, मेरी तरफ देख राम ने डिठा है सरकार हुसैन ने क्या देना, मैं दोष नबी दा सवारा। हुसैन तारफ करार किबला शाह साहब बिस्मिल्लाह करा। इस शेर दे विच सिर्फ कसीदे दा शेर नहीं समझना, इस शेर दे जिक में बड़ा बड़ा मसला हल कीता, सिर्फ ज़हन ते ज़ोर दे सो है हुसैन जड़ा बार बार अपनी सवारी की तारीफ की थी, हुसैन ने क्या देना, मैं दोष नबी दा सवारा
आजावन जे मैं जाना मुझाना थी मजबूरा ए सदका की में खाना सही अध्या अली अली करन दा फायदा क्या दादा अली दी विला साड़ी अखा दी बिनाई दही दे नाल मोमना दी दही दे नाल मोमना दी ए वस दी खुदाई नाम बहलोल लोग आदे दीवाना लेकिन इस मिंबर दी अजमत दी कसम बाबा वो बंदा दीवाना नहीं हुंदा बहुत बड़ा दाना हुंदा है जेको आले मुहम्मद दी मार्फत होवे बड़ी लंबी गल एक शेर हालत क्या है गरीबान जाग सर दे खाक लेकिन जबान ते विरदे अली 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 करे दा हारून दे दरबार आया है जेड़ा हारून ने डिठा है ना बड़ी सुनी गल मैं शेर पढ़ी था ना देख क्या दे अभी हालत दे शाही खानदान दा फर्द है तू आम बंदा नहीं लोग तेनू पागल आ देन गलियां दे पत्थर मार देन मैं तेरे नाल वादा करे दा कल सुबह तू दरबार दे आ जावे तेन शाही दे विच औदा देसा नाल कुर्सी ते बिठासा फाखरा लिबास देसा जिवे मैनू लोग सलाम कर देन इवें तेनू भी लोग सलाम करे सादक आले मुहम्मद दा गुलाम देख के आदा है मैं ते सादक इमाम दे मनण वाला मैं वादा करेंदा वैसा लेकिन तू अपनी गल तू बदल वैसे आदा नहीं बदलता आ बजे त्रै वादे की दिन शाही दे विच आउंदा ने सा फाखरा लिबास दे सा कुर्सी दे नाल बैठा सा लोग तेनू सलाम करे सन लेकिन मेरी एक शर्त है पहलो लादा शर्त दसा आदा शर्त है कि अली अली करना छोड़ दे जागना है अली अली करना छोड़ दे सादक आले मोहम्मद दा वकील अली दे बहुत बड़े दुश्मन दे दरबार दे जवाब दे रहा ज्यादा है अली दी विला साडी असल निमाज है अली दी विला छोड़ दे मैं तेनू डसाना सहेली को क्या मने दिया था डसा टेक्या दी
मौला तुम सलामत रखे, इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। अजीम इबादत, वेलौस इबादत, कितना मुकद्दर वाला बंदा है जिहड़ा रसूल दे पुत्र दे गांव दे विच रहा है। एक आंसू के इब्स मिलता है घर फिर दोस्त का, किस कदर शब्बीर ने जन्नत को सस्ता कर कुर्बान करा, क्योंकि हुक्म लिया है आज उस मेरे मौला की शहादत का रात मनाई जा रही है। तो मैं सदके बन जा जेड़ा 40 साल रत लख नहीं आता बिस्मिल्लाह करो जनाबे सज्जाद ते मेरे भाई कुम्बला जिंदगी अदा फरमाए, उन्होंने जुमले के जवाब पे देना सरकार ते मदीने विच किसे सवाल कीता है ना कि मौला अल्लाह दी राह दे सर देना तुहाडा सेवा है, थोड़ा रोना करो। सरकार डे के फरमाए मोमन ते इंसाफ नहीं कीता, ये ते ठीक आखी कि अल्लाह दी राह दे विच सर देना साडा सेवा है, लेकिन ये दसा क्या फूफियां दी चादर क्या बेहना दे दाज लुटाना सा तू ज्यादा सजाद रात ना रो, मैं कबर दे विच भी रात रोसा, हशर दे विच भी रात रोंदा, माशर दे भी रात रोंदा उठसा, क्योंकि रो पे हो अल्लाह जाने बंदे साल कौन होसी ते कौन ना होसी। मेरा दिल चाहता है मुकम्मल थानू दो जुमले सुनावा। रसूल का आखिरी वक्त आया, बुजुर्गों के हिस्से का जुमला पहला आखना चाहना, रसूल की सारी औलाद मौजूद है, जनाब ज़हरा मौजूद हैं, हसन मौजूद हैं, हुसैन मौजूद हैं, सरकार ने हर पासे दिखा है, देख के फरमे ने बच्चा हुसैन जी ना ना जान सारे मौजूद हो। मैं रसूल की लचपाली का पहला फिक्रा प्यादा बुजुर्गों के हिस्से मैनू दी फिजा नजर नहीं पिया, बिस्मिल्लाह करो तेरी वफात तू दोहराएं कुर्बान करो, मैनू दी फिजा नजर नहीं पिया दी। आपने हुजरे दे विच बैठी हुई है हजूर फरमेंदे हुसैन बन के फिजा नू आख नबियां दा सरदार बुलाइंदा पे आके कदमां दे पासे अदब दा सर झुका के सलाम दित्तास रसूल ने क्या दिन फिजा दी मेरा अल्लाह राजी मैं तेरे ते राजी, तै मेरी धी ज़हरा दी बड़ी खिदमत की थी। मैं जामे बका पी के दुनिया तो टुरिया वेंदा, मैं रसूल दा दिल चाहता है आज कुछ मांग हूं जे साहबिया की बैठे उन्होंने वास्ते जुमला आखना चाहना कि हथ बन गया दिए यार रसूल अल्लाह होर क्या मंगा, मैं को जन्नत ते सरदार मां करके आते आए और तेरी अजमत तू दहराए कुर्बान करा। जवाना ने जन्नत ते सरदारा दी मां मैनू भेड़ करके छड़ दी है, मेरी इजाजत सेवा रिजवान भी तेरे बूहे ते नहीं आ सकते। रसूल फरमे ने ना फिजा दी मैं रसूल दा दिल चाहता है।
कुछ मंग मैं रसूल हो के हुक्म देना जेड़ा मुहम्मद दा हुक्म सुनिया सी ना हुण मैं आपणियां मावां ते बहणां दे सिद्दक जुमला पियादा मेरा ईमान ने पर्दे दे मेरी बखदू माई बैठी है इवें अदब दा सर झुका के हथ बन के आ दिए या रसूल अल्लाह देना चाहते हो ते मेरी जिंदगी बदा तेरी कमर नून में कोई झुक गई है बाल सफेद हो गए नहीं मैं बिस्मिल्लाह करा हूं जिंदगी की क्या लोड़ रही दे के आदि है जी में तेरी धी जहरा दे नाल गुजारी है ना मैं बिस्मिल्लाह करा मेरा दिल चाहता है मैं इवे ज़ैनब दे नाल मैं ज़ैनब दे नाल बाजारा च वंजा दरबारा च निर्वार रेवा जलाना बुजुर्गा मेरे आका डे क्या दिल फिजा तू नबी दा दिए ना इमाम दा दिए तू की वे जान लिए जो मेरी दी ज़ैनब ने बाजारा च वंजना है दरबारा च वंजना है उस वेले रसूल ने कदमा यात्रा क्या दिए हुसैन ते ज़ैनब दे हुजरे विच मदीना छोड़ा ते फिजा नाल दो महरम को करबला आइए ते फिजा नाल सत्री को पानी बांधे ते फिजा नाल दस महरम दे दुपाट लिल अली दिया दिया जिवें सत्तर कदम ते खड़िया फिजा भी नाल गिरदरबा गिणदी रही है ओ मैं सदके जा मैं पुत्र कुर्बान करा साल बराबर कह रही है फिजा नाल साल तू बाद वली फिजा नाल जड़ा दूजी बारी मैं सारा मजमून छोड़ दे हो गए मेरे से इबादत बस एक लाइन पढ़ना है दूजी बार जनाबे सज्जाद ने तैयारी की थी ते जनाबे फिजा नु पता लगा है आ क्या दिए सज्जाद मैं सुनिया है तो मैं फुफी ते भतीजा शाम पे मैं दियो हां दादी मैं नाल कोई नहीं बजना दादी मैं राजी मेरा नाना राजी मेरे दुखे पासे वाली मां राजी हुण तू ज़ईफ हो गई शाम दा औखा बन मर
ਮੂਮਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਤ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਦਾਦੀ ਔਖਾ ਪੜਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੇ ਰਹਿਦਾ ਪਰਦੇਸ ਤੇ ਟੁੱਪੀ ਮਰ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਸਨ ਦੇ ਕਫਨ ਕੌਣ ਦੇਸੀ ਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਈਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਆਈਏ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਜਾਦ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਰਾ ਮਰਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਹਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਤੇ ਬਰਜਾਈਆਂ ਕੋ ਨਾਲ ਘਿਣ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾ ਕੇ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਏ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਰ ਵਾਲੀ ਸਾਂਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਹ ਨਾ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਆਏ ਵਾਪਸ ਵੱਲੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਰ ਦੇ ਛਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਕਿਆ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਛੋੜਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੰਮਾ ਵੱਲ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਿਰਾ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅੰਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਦਰਖਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਪੱਤੇ ਚੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਪਿਆ ਡਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪੱਤੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੁਸੈਨ ਹਾਏ ਅੰਮਾ ਦੂਜਾ ਮੌਜਾ ਦੱਸਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੀਏ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਖੀ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ ਕਰੇ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਜਾਮਣੇ ਮਸ ਕਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਮਰ ਵੇ ਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਫਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੱਖੀ ਮਰਦੇ ਪੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਰ ਰੁੰਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸਦਕੇ ਜਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਯਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾਂ ਸੈਯਦਾਂ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਤਮੀਆਂ ਤੂੰ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਇਹਸਾਨ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿੰਜ ਲੂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਤੱਲੇ ਆਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਤੱਲੇ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤਰੇ ਬੈਂ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਏ ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਰੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਦੀ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਬਿਰਾ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਿਰਾ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਤਰੀ ਦੀਆ ਦਾ ਤੱਸਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ ਹਯਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਰੀ ਦੀਆ ਦਾ ਤੱਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਆ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਤਰੀਆ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਉਮਤੀ ਨੇ ਕਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਅਦਬ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾ ਹੱਕ ਨੇ ਅੱਗਾ ਦੀ ਸੱਜਾ ਟੋੜਾ ਸੁਪਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਈ ਓ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਸਫਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਲ ਮਰ ਗਈ ਆਏ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਬਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਏ ਇਨ ਲਿਲਾਹਿ ਵ ਇਨ ਅਲੈ ਰਾਜੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ ਗੁਸਲ ਫੁਕਾ ਛੋੜੀ ਗੱਲ ਛੋੜ ਦੀਏ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ ਕਫਨ ਤਾਦੀ ਦੇ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਜਿਸ ਬਹਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਪੈ ਕਰੇਗਾ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਕਿਆ ਦਿਨ ਦਾਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੈਯਦ ਆਖੋ ਨਾ ਤੇਰੀ ਵਫਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਾਕ ਦਾਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਸਜਾਦ ਹੁਣ ਕਿਨ ਮੰਜਣਾ ਹੈ ਵਤਨ ਇਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਕਿਹੜਾ ਵਤਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਤਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਵਤਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜ਼ੈਨਬ ਸਮ ਗਈ ਹੈ ਫੁਲਮਾ ਲਿਖਦੇ 32 ਜਾਂ 34 ਸਾਲ
बीबी जैनब दी कबर दी मजावर बन के बैठी। अलामा हुसैन बागजाड़ा लिखते हैं कि फिजा दा केड़ा दस्तूर हो गया सैयद, सुबह दा टाइम हो गया ना मशकीजा पानी दा चावे आ, चौराहे ते आके बह वंजे आ, मुसाफरा नु पानी देवे आ, मुसाफरा का ज़ईफा उजरत मंग देख के आख्या मैं कोई गरीब हाँ, मैं हसन ते हुसैन दी मां हाय ना दे बिस्मिल्लाह करा ज़ईफा मंग उजरत तू साड़ी मोसना है जदा मजबूर करो ना ना जिन हुण ते नहीं रोसंगे ते आख्या जे उजर देना चाहंदे हो ना ते करबला दे पासे मुंह करके आखो हुसैन तेरे प्यासे कुसण दे वड्डे आ रहा जवाना बुजुर्गा जरा ये रात ढलनी पई है सुबह दा वेला होया है फिजा दी केड़ी हालत जनाब ज़ैनब दी कबर दी पवादी दे पासे मत्था रखा है आखरी वेला है कदा सर जांदी है कदा रखदी है ते कदा कदा करवा मदीने दे पासे मुंह कर गया लिए सज्जा सजा दे जिगर दे टुकड़े कभी
जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं, और मैं पुत्र कुर्बान करा। मेरे मौला ने वाहन किया है, अलामा हुसैन बख लिखते हैं, धूल उठी है, गुबार फटा है, जनाब मोहम्मद बाकर ने रिठाए एक काफला है, जेडे घोड़ियां ते सवार है, काफले दा सरदार कड़ा सज्जे देंदा है, कड़ा खप्पे देंदा है, कड़ा अगे देंदा है, कड़ा पीछे देंदा है। जवानों जनाब मोहम्मद बाकर आदे जवान कैनू कुड़े लावता है, आदा इथे मुंबई फरांदिया है, साड़ी मोशन आई जड़ाई सरा चुगरा सानू ठंडे पानी दे दिया है, आज सानू नजर नहीं पिया ली, मेरे आका बाकर देख के आदे जे उनू कुड़े लावता है, वत घोड़े तू लाया उलैफा मर गई आई उंगा मैया ताईया रल के जनाना बड़ी है। मैं सदके बन्या मैं आका सफा बन गया जनाब मोहम्मद बाकर ने बन के रिठाए देख याद दऊ सलमान दे याद तोड़ी माता जनाजा पड़ा। ओ मैं सदके जावा मैं पुत्र कुर्बान करा, जड़ा मोहम्मद बाकर ने आका दऊ सलमान दे याद तोड़ी माता जनाजा पड़ा। मौला सारी जिंदगी तुहाड़ी खिदमत गुजारी है।